बस एक बड़ी खबर, एक तरफ यानी कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में गौरक्षा को लेकर संदेश दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद ही कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन धर्म की नगरी मथुरा में भूख से गाय तड़प रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि बिना चारे के मरने को गाय मजबूर है, जो बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि गाय को लेकर आखिरकार क्या नीति बनाई जा रही है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं या फिर संदेश देने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं, सबको पता है कि गौ माता है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। यानी मथुरा में गाय भूख से तड़प रही हैं, भूख से मरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहाँ पर चारा नहीं है। और अभी अभी जो मुख्यमंत्री ने बातें कही कि कचरा खाने के लिए मजबूर हैं, तो ये स्थिति मथुरा में है। और कुछ दिन पहले अयोध्या से तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि वहाँ पर कचरा खाकर एक गाय की मौत ही हो गई थी। सौरभ गौतम जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर। सौरभ, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वहाँ पर गायों की हालत बहुत ही खराब है, भूख से तड़प रही है, क्या क्या वहाँ पर व्यवस्था है, किस तरह से ये जो गौशाला है वहाँ पर क्या बजट नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मथुरा दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी गौशाला है राधा कृष्ण गौशाला। यहाँ सालों से गायों को पाला जाता था और उसकी एक बकायदा समिति बनाई गई थी जो इसके चारे और तमाम व्यवस्थाएं करती थी, लेकिन पिछले दिनों जब NHAI ने रोड चौड़ीकरण का कार्य किया तो उसमें गौशाला का भी कुछ हिस्सा गया, जिसके कम्पनसेशन में 53 लाख रुपए समिति को मिले थे। 53 लाख रुपए जो मिले थे इसकी को लेकर के समिति में आपस में झगड़ा हुआ और समिति भंग हो गई, जिसके बाद इस गौशाला की व्यवस्थाएं बिगड़ गई और चारे तक की गायों के सामने चारे तक की नौबत आ गई है और भूखों मरने की नौबत आ गई। यही वजह है कि गाय वहाँ रोज मर रही है, 2 से 3 गायों की रोज वहाँ मौत हो रही है। अब तक वहाँ पर अगर बात करें तो 40 से 50 गायों की मौत हो चुकी है जी। लेकिन क्या इसके रोकथाम के लिए, क्योंकि हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कई VVIPs भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, कोई उपाय किए गए अब तक? जी बिल्कुल, जैसे ही मामला मीडिया में आया उसके बाद में जो पशुधन दुग्ध विकास मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनसे जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने SDM और वहाँ के जो लोकल बॉडी है उसके निषद में टीम बनाई है, वो वहाँ गई है जांच करेगी और उसके बाद में उस गौशाला की व्यवस्था की जाएगी, आगे गायें ना मरे इसकी रोकथाम के लिए वो पूरी तरह से प्रयास की बातें कर रहे हैं जी। लक्ष्मी नारायण कब वहाँ पर पहुँचे थे और ये बातें उन्होंने कब कही? और जैसे कि आप कह रहे हैं कि रोजाना वहाँ पर 2-3 गायों की मौत हुई है, तो क्या कोई मामले की जांच हुई, चारे की व्यवस्था हुई? हाँ जी बिल्कुल, मेरी हम लोगों की जो बात आज सुबह उनसे जब हुई थी मीडिया से बात की उन्होंने, बाइट उन्होंने इंटरव्यू किया था मीडिया में, तो उन्होंने ये सारी बातें कही और उन्होंने टीम के लिए भी बोला है कि टीम से बोले जो SDM छाता है उनके नेतृत्व में टीम बनाई जाएगी और वो टीम वहां जाकर के उसका मौका मुआयना कर गायों की देखभाल की व्यवस्था करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, एक बार आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर जांच से ज्यादा चारे की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे देखने के लिए, मथुरा से ही वो आते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद 2-3 गायें रोज गायों की मौत हो रही है और सिर्फ इसलिए मौत हो रही है कि भूख से। आपने अब तक ये सुना होगा कि हम लगातार जो खबरें दिखा रहे हैं कि भूख से कभी कभी इंसान की भी मौत हो जाती है हमारे देश में, यानी कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हाईटेक यानी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन भूख से आज भी मौत हो रही है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ एक और तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जो गौ हिंदुस्तान यानी कि सनातन धर्म में गाय की बहुत ही महत्व है। और जैसे अभी अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि गाय में सभी ईश्वर वास करते हैं, लेकिन आज वो गाय भी भूख से तड़प रही हैं और लगातार भूख से मौत हो रही है। और ये तस्वीर कहीं और नहीं बल्कि मथुरा से आई है, मथुरा में एक ऐसे गौशाला से जो एक परंपरा है, यानी सालों से वहाँ पर गाय गौशाला चलाए जाते हैं, यहाँ पर गाय पाली जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर चारे की व्यवस्था न होने के कारण गाय भूख से तड़प रही हैं, गाय की मौत हो रही है। मथुरा जहाँ भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय गौ, यानी वहीं से एक नया संदेश दिया गया था। और धर्म के नाम पर आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानते हो, गौ को लेकर उनके मन में एक श्रद्धा देखते ही उम्र पड़ती है, लेकिन आज गौ की जो हालत है उसे देखकर आप भी पसीज जाएंगे। और तस्वीरों में देखिए कि भूख से किस तरह से तड़प रही है। मंत्री जी वहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुँचे तो थे, लेकिन बस एक बात जो कह के आ गए कि वो इस मामले की जाँच होगी। क्या इस मामले की जाँच कब तक होगी? तब तक क्या इन गायों को चारा नहीं मिलेगा और रोज़ इस तरह से दुर्दशा होती रहेगी, गायों की मौतें होती रहेगी? और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज लखनऊ में यानी VHP के तरफ से गौ रक्षा को लेकर संदेश दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा में यानी मुख्यमंत्री ने जो बातें कही चारा को लेकर, गौ को लेकर, एक ठीक विपरीत, यानी कि मथुरा में आज से नहीं बल्कि कई दिनों से वहाँ गाय की मौत हो रही है। मंत्री जी भी वहाँ पर पहुँचे लेकिन फिर भी किसी की निगाहें वहाँ पर नहीं पड़ रही है और ये एक बहुत ही दुखद है। दो तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं,
एक तरफ गाय की मौत हो रही है, हम हाल ही में आपको मथुरा की तस्वीर भी दिखाए थे, अयोध्या की तस्वीर जहां पर चारा के बिना यानी भूख से तड़प रही गाय पॉलिथीन खाकर उस मौत हो गई थी, और आज भी हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं दो उसमें ये कि आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक संदेश दिया गया है गौ रक्षा को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे थे मुख्य अतिथि के तौर पर और उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दिया है, उन्होंने एक आध्यात्मिक बातें भी कही है। लेकिन दूसरी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है गौ माता को लेकर, जो कभी हमारी समस्याओं को हरती थी आज हमारे लिए वाकई में वो समस्या बन गई है, और ये एक बहुत ही दुखद है। जहाँ धर्म की बातें की जाती है उसी धर्म के आधार पर जो लोग गाय को पालते हैं वहाँ ये दुर्दशा है, और रोज़ाना 2-3 गायों की मौत हो रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या वो गाय जो कुछ नहीं कहती, जो चुपचाप सुनती रहती है, चुपचाप देखती रहती है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है? तो बिना चारे के गायों की मौत हो रही है, मथुरा से ये तस्वीर आ रही है। अभी अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, 22 से 23 इकाइयों में गौशालाएं भी खोली जाएंगी, लेकिन जहां पहले से गौशाला है वहां उन गायों की स्थिति तो देखिए किस तरह से, भूख से रोज़ाना 2-3 गायों की मौत हो रही है, और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मामले में जांच की बातें कही जा रही है वो भी एक जिम्मेदार मंत्री की तरफ से, लक्ष्मी नारायण जो कि प्रदेश में मंत्री हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, और वो जब वहाँ पर मीडिया में खबर आने के बाद निरीक्षण करने के लिए पहुँचते हैं तो पहले चारे की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर कह दिया जाता है कि इस मामले की जाँच होगी। और यारों को एक छोटे से ब्रेक के लिए